फोटो देखने मिलता है, जो भी डॉक्यूमेंट है अगर उसको आप यहाँ पे प्राइवेट में डालना चाहते हैं, उसको हाइड करके रखना चाहते हैं, यहाँ पे प्राइवेट सेव का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। इस पासवर्ड बना लेना है, जैसे मैं 00011 यहाँ पे डालता हूँ, और जैसे इमेज एंड वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा, सेट एज प्राइवेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक, और जैसे दोस्तों आप यहाँ पे पिन डालिएगा तो ये फोटो वीडियो पे भी प्राइवेट सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करना है, उस पासवर्ड को डालिएगा तो यहाँ पे ऑडियो डॉक्यूमेंट और अदर फाइल देखने मिलेगा। इस पर रियलमी का मोबाइल है तो रियलमी के मोबाइल में जो भी आपके मोबाइल में फोटो देखने मिलता है, जो भी डॉक्यूमेंट है अगर उसको आप यहाँ पे प्राइवेट में डालना चाहते हैं, उसको हाइड करके रखना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को यहाँ पे ऑन कर लेना है, और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद आपको जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में। सेटिंग वाले ऑप्शन में जैसे जाइएगा, जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेट सेव का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा, इस ऑप्शन पर आप टैप करें। टैप करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे सेट ए प्राइवेसी पासवर्ड फर्स्ट, मतलब एक प्राइवेसी पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, तो आपको सेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पिन नंबर से आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, या पैटर्न डालना है, या कोई अल्फाबेटिकल डालना है, उसे अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो यूज ए डिफरेंट पासवर्ड पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलेगा। जैसे 4 डिजिट का अगर आप सेट करना चाहते हैं तो 4 डिजिट का आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1234 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा जाएगा कि ये जो पासवर्ड काफी कॉमन है। तो आपको क्या करना है, एक आपको अलग तरह का पासवर्ड बना लेना है, जैसे मैं 00011 यहाँ पे डालता हूँ, और यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, उसी पासवर्ड को यहाँ पे डालना है, और ये डालने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। और दोस्तों ये जैसे कंफर्म कीजिएगा, कंफर्म करने के बाद यहाँ पे टीचर नेम पूछा जाएगा, टीचर नेम में अगर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी डालना है तो पासवर्ड को जब चाहे तब दोस्तों आप अगर भुला जाते हैं तो उसको रीसेट कर सकते हैं, जिसमें फादर नेम, मदर नेम, टीचर नेम देखने मिलेगा, जो आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करें, और एक पासवर्ड आपको यहाँ पर अपना क्रिएट कर लेना है, अपना टीचर नेम मदर नेम का आपको डाल लेना है, रिकवरी ईमेल आईडी डालना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, देन आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए इमेज का ऑप्शन मिलेगा, ऑडियो है, डॉक्यूमेंट है, अदर फाइल है, यहाँ से दोस्तों आप डायरेक्ट यहां पे क्या कर सकते हैं, प्राइवेट एल्बम में डाल सकते हैं। जैसे इमेज एंड वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ऐड वाले ऑप्शन में जाइएगा, ऐड वाले ऑप्शन में जाने के बाद अगर आपको यहां पे मान लीजिए कोई वीडियो को अगर आपको यहां पे हाइड करना है तो इस प्रकार से आप यहां पे सिलेक्ट कर ले, फोटो को सिलेक्ट कर ले, ये आपको यहां पे सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहां पे देखिए सिलेक्ट कीजिएगा, सेट एज प्राइवेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ये जो फोटो वीडियो है आपका प्राइवेट में यहां पे चला जाएगा, देख सकते हैं इमेज वीडियो प्राइवेट में चला गया है। देन उसके बाद अगर ऑडियो डालना है तो ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी ऑडियो का आपको यहां पे डालना है इस प्रकार से आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं, सेट एज प्राइवेट पे क्लिक करना है, ऑडियो आपको यहां पे चला जाएगा। देन डॉक्यूमेंट को अगर आपको डालना है, ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट देखने मिलेगा, डॉक्यूमेंट को आपको डाल लेना है, उसी प्रकार से अदर कोई फाइल है उस पर क्लिक करना है, अदर फाइल को आप यहां पे प्राइवेट से फाइल में डाल सकते हैं, और ये डालने के बाद दोस्तों आपको यहां से बैक हो जाना है, बैक होने के बाद आप यहां पे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहां पे गैलरी को ओपन करते हैं तो गैलरी को ओपन करने के बाद यहां पे आपको प्राइवेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए पिन मांगना चालू कर देगा, और जैसे दोस्तों आप यहाँ पे पिन डालिएगा तो ये फोटो वीडियो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, यहाँ से हटाना चाहते हैं इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, सेट एज पब्लिक पे आपको क्लिक कर देना है, तो फिर से जिस डिवाइस में आपको यहाँ पे डालना है, डिफॉल्ट में जहाँ पे डालना है डाल सकते हैं, या कस्टम का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करना है, कहाँ पर आपको फोटो डालना है इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मूव हियर पे क्लिक कर देना है, तो डायरेक्ट क्या होगा, यहाँ से रिमूव होकर डायरेक्ट आपके गैलरी में फिर से दोबारा आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों आपके मोबाइल में जैसे फाइल मैनेजर यहां पे देखने मिलेगा, तो देख सकते हैं माय फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहां पे भी प्राइवेट सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करते हैं, और उसके जो भी आपने यहां पे पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को डालिएगा, तो यहां पे ऑडियो डॉक्यूमेंट और अदर फाइल देखने मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहां से आप निकाल सकते हैं, और अगर आपको यहां से फिर से आपको रिमूव करना है तो इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, सेट एज पब्लिक वाले ऑप्शन में जाना है, देन कस्टम अगर आपको सेट करना है कस्टम सेट कर सकते हैं, और कस्टम सेट करने के बाद आपको देख लेना कहां पे आपको डालना है, इस प्रकार से सेट करना है, और मूव हियर पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहां से आपका रिमूव हो जाएगा। और साथ में दोस्तों 3 डॉट में जाइएगा, तो 3 डॉट में जाने के बाद सेटिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं, और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद जो आपने पासवर्ड अगर क्रिएट किया हुआ है उसको अगर आप मान लीजिए रिमूव करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर प्राइवेसी पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जो भी आपने यहां पर पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को आपको यहां पर डालना है, देन टर्न ऑफ पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, या पासवर्ड चेंज करना तो चेंज भी आप यहां पर कर सकते हैं, तो टर्न ऑफ पर क्लिक कीजिएगा, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हैं, उसके दोबारा आपको पासवर्ड डालना है, ये आपका जो पासवर्ड है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।